लोकसभा चुनावों के संपन्न होने के बाद चुनाव आचार संहिता हटने के उपरांत जिला कांगड़ा में धर्मशाला के समीप जरोवर स्टेडियम में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के जनमंच कार्यक्रम की पहल की हर ओर सराहना हो रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनमंच कार्यक्रम इसी तरह चलता रहेगा। जनता की समस्याओं को सुनने व समाधान करने में जनमंच कार्यक्रम का अच्छा योगदान है। पॉलिसी डिसीजन के जो मामले हैं उन्हें सरकार के विचाराधीन भी भेजा जा रहा है। इस मौके पर नव निर्वाचित सांसद किशन कपूर की सराहना करते हुए गोविंद ठाकुर ने कहा कि किशन कपूर कुशलता से सभी की बात सुनते हैं और हर समस्या का समाधान सुनिश्चित करवाते हैं। विभिन्न खेलों के कोचों की रिक्त पदों पर खेल मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि सभी कोचेस की पद की भर्ती एसएसबी को भेज दी गई है। एसएसबी की ओर से उनके टेस्ट लिए जाएंगे। अब ये मामला कमीशन को चला गया है। उन्होंने कहा कि कोचेस और DYSO के पद शीघ्र ही भरे जाएंगे। जयराम सरकार का प्रयास है कि खेलों से संबंधित सभी पदों को भरा जाए तथा कोई भी पद खाली ना रहे। आम जनता से अधिकारियों के द्वारा कई बार सही ढंग से बातचीत ना करने पर गोविंद ठाकुर ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो सरकार के ध्यान में आएगा तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। विश्वविख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में आजकल बाहरी राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व यूपी के हजारों श्रद्धालु मां ज्वाला ज्योतियों के दर्शन करने पहुंच रहे हैं और मां का शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इसी के तहत रविवार को लगभग 28,000 श्रद्धालुओं ने ज्वाला मां की ज्योतियों के दर्शन किए और जयकारा भी लगाया। सुबह 5 बजे से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु लाइन में लगकर दर्शन करने पहुंचे थे। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए भी पुख्ता प्रबंध किए थे। SDM राकेश शर्मा ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर में आजकल गर्मियों के मौसम को देखते हुए मंदिर में ठंडे पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से की गई है। इसके साथ ही मंदिर प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी व पुलिस कर्मियों की नियुक्ति भी की है, जिससे किसी बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े। शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी और मंडी हलके के सांसद राम स्वरूप शर्मा का कार्यकर्ताओं ने रामपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। चुनाव जीतने के बाद मंडी हलके के सांसद लोगों का धन्यवाद करने रामपुर पहुंचे थे। इस दौरान शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी भी कुछ देर के लिए रामपुर में रुकी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने भी सांसद को चुनाव जीतने की बधाई दी। इस दौरान सरवीण चौधरी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हर जरूरतमंद व्यक्ति के संसाधनों के लिए आगे आएं। जिस तरह से लोकसभा चुनावों में जनता का नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन मिला है, उस विश्वास को कार्यकर्ता बनाए रखें। मंडी के सांसद रामस्वरूप शर्मा ने रामपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि रामपुर की जनता का पिछले लोकसभा चुनावों में भी आशा से बढ़कर उन्हें समर्थन मिला है। इस बार लोगों ने जो विश्वास उन पर जताया है उसे वे टूटने नहीं देंगे। कांग्रेस कार्यकाल के रुके हुए कार्यों को वे गति प्रदान करवाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछली बार हिमाचल में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद केंद्र की योजनाओं को लंबित किया जाता था। अब प्रदेश में भी जयराम सरकार है और विकास के मामले में तेजी से आगे बढ़ रही है और अब विकास को डबल इंजन काम करेगा। रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि प्रदेश में जयराम सरकार का 16 माह का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं वे सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता था। इसे लेकर लोकसभा चुनावों में लोगों में भारी उत्साह था। उन्होंने कहा कि मंडी लोकसभा हलके से उन्हें 4,05,000 की लीड मिली है, जिसकी अपेक्षा उन्होंने भी नहीं की थी। ये सब जनता का उत्साह और कार्यकर्ताओं की रात दिन की मेहनत है। मंडी पार्लियामेंट
देश का दूसरा बड़ा लोकसभा क्षेत्र है और बहुत सी यहाँ की परिस्थितियाँ और यहाँ की जो बहुत सी योजनाएं जो लंबित पड़ी हैं, मैं चाहूँगा कि पहले उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयत्न करूँगा। पिछले कार्यकाल में तो 4 साल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, जो जो योजनाएं केंद्र से आती थी उनको लंबित कर दिया जाता था, लेकिन अब फ्रांस के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी हैं और वो मंडी पार्लियामेंट से हैं, इसलिए जो जो वर्षों पुरानी योजना है उन योजनाओं को धरातल पर उतारना। सोलन सब्जी मंडी में हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग बोर्ड एवं मंडी समिति कर्मचारी संघ की बैठक आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश से आए हुए चुने हुए प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये बैठक प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान कर्मचारी हितों को लेकर विचार विमर्श किया गया और प्रदेश सरकार के समक्ष किन मांगों को रखा जाए इसको लेकर भी सुझाव लिए गए। उन्होंने बताया कि अभी तक मंडी बोर्ड में करीब 350 कर्मचारी बिना पेंशन स्कीम के सेवाएं दे रहे हैं और कुछ दे चुके हैं, लेकिन वे सभी पेंशन स्कीम में नहीं हैं, जिसकी वजह से उनका भविष्य अंधकार में लटका पड़ा है। हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग बोर्ड एवं मंडी समिति कर्मचारी संघ के महासचिव जयप्रकाश शर्मा ने बताया कि आज जो कर्मचारी कई वर्षों से बोर्ड में अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन सेवानिवृत्ति होने के बाद उनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं बचा है, जिसके चलते आज वे मनरेगा में दिहाड़ी लगाने पर मजबूर हो चुके हैं। ऐसी नौबत कर्मचारियों पर भविष्य में ना आए, इसके लिए वे प्रदेश सरकार के समक्ष पेंशन की मांग उठाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मझोले व्यापारियों को भी पेंशन देने की घोषणा कर चुके हैं, तो उन्हें उम्मीद है कि प्रदेश सरकार उन्हें निराश नहीं करेगी। पेंशन की मुख्य मांग के साथ साथ वे 19 सूत्रीय मांग पत्र भी जल्द प्रदेश सरकार को सौंपेंगे। कर्मचारियों के हित में इस पेंशन स्कीम को लागू करने की कृपा करें। इस पेंशन स्कीम से कम 350 लोग हैं जो हम पेंशन स्कीम नहीं है, कुछ रिटायरी भी है जो 50-60 के करीब है, उनको भी उस पेंशन स्कीम में आने चाहिए। हम ये आग्रह करेंगे सरकार से कि वो भी स्कीम में आए, क्योंकि जो रिटायर हो गए वो बेचारे बहुत दुखी हैं, आजकल मनरेगा में काम कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो जो ये पेंशन स्कीम है, ये जो छोटे कारोबारी है उनके लिए भी 3,000 मिनिमम रखी है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी हम पेंशन स्कीम से वंचित हैं। ये स्कीम पेंडिंग का कारण ये हो सकता है, शायद या तो हम सही तरीके से नहीं उठा पाए सरकार से, या कुछ न कुछ कमी रही होगी जो सरकार ने इस पर ध्यान दिया। और मैं ये बात और कहना चाहूँगा कि हमारे पास फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बोर्ड कॉरपोरेशन और है, बिजली बोर्ड है और HRTC है या कई और है, एजुकेशन बोर्ड है, तो उसी तरह हम भी चाह रहे हैं कि हमें भी ये स्कीम चल जाए पेंशन सुविधा। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बोर्ड के पास पैसा है। हमें पूरी उम्मीद है जयराम जी किसान नेता हैं, वहाँ से एक छोटे से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमें उम्मीद है कि हम जैसे छोटे लोगों को भी उनसे काफ़ी उम्मीद है कि हमारी समस्या का निराकरण करेंगे।